जिंदगी भर मैं इस गार्डन से चुराता रहा और सबने कहा कि ये गलत काम है, लेकिन बार्नबास की बदौलत मैं जान गया हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। मैं 100% बुरा हूँ बेंजामिन। ये बार्नबास मुझे सही नहीं लगता। नहीं, वो बिल्कुल सही है। वो मुझे समझता है, बिल्कुल डैड की तरह। इसकी तरह नहीं। बदमाशी मत करना। देखा, जिस दिन से आया मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। उसने सिर्फ तुमसे नहीं कहा, हम सबसे कहा है। मैं तुमसे बात कर रहा था पीटर, सिर्फ तुमसे। तुम ही हमेशा बदमाशी करते हो। और वैसे भी हम यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? जैसे ही उनके बच्चे हो जाएंगे वो हमें पूछेंगे भी नहीं। जब तुम्हारी बहनें पैदा हुई तब भी तुम्हें उतना ही प्यार मिला था। तब की बात और थी, पर इन्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, तो मैं बन के दिखाऊंगा। देखो, बार्नबास एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। अगर हमने उसकी मदद कर दी ना, तो जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इनकी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो बहनों, हमें ग्लॉस्टर जाना है। ग्लॉस्टर जा रहे हो? कल मैं वहाँ मेरे कार्डियो डे के लिए दौड़ूंगा। आज बारी है चेस्टर आर्म्स की। दौड़ जल्दी करो, हमें 100 कैलोरीज और बर्न करनी है। मेरा ट्रेनर, मुझे उसकी जरूरत है? शायद नहीं। उसके बिना क्या मैं इतनी मेहनत करूंगा? शायद नहीं। I'm asking you please a little help. Tell me you'll be there when I need somebody else. तुम मेरे हालात के हिसाब से गाना कैसे गाते हो? मेरा सिक्स सेंस तगड़ा है। I need help. I need help. देखो और ले आया, बिल्कुल मेरे जैसे। सभी इसके जैसे नहीं है, मुझे कुछ बातों से एतराज है। I need help. ये क्या देख रहा हूँ मैं? तुम सब कितने बड़े हो गए हो। पिछली बार जब देखा था तब सभी बच्चे थे। बेंजामिन, कॉटन टेल, फ्लॉपसी, मॉपसी। हाँ, वैसे अब मेरा नाम लावेटोरी है। फ्लॉपसी को भूल जाइए। हम वो बड़ा काम करने आए हैं जो आपने बताया था। ओ नहीं नहीं नहीं, उसमें बहुत खतरा है। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक्स। यहाँ आसपास कोई टैक्सी स्टैंड है क्या? नहीं, यकीन मानिए, हम सुबह शाम गार्डन से चोरियां करते ही रहते थे। ये काम बेहद खतरनाक है। किसी को कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप जो बोलोगे हम वो कर सकते हैं ना। अगर दही हंडी फोड़नी है तो हम फोड़ सकते हैं। अगर चाहते हैं हम मिस्टर इंडिया बन जाए तो वो भी बन जाएंगे। और अगर किसी की शादी में गाना है, काबिल है हम सालो हमें काम करेंगे, है जो शीले ना पीछे हटे बस आगे बढ़े। जब हम हैं साथ तो टेंशन की क्या बात। क्या ये आपका है? काबिल है हम। अब मेरी बात सुनो, ये काम मामूली नहीं है, बहुत खास है। अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो जिंदगी भर खुद का पेट भरने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। पर बच्चे लोग, इसमें खतरा काफी ज्यादा है। हफ्ते में एक बार अक्सर वैली के सारे फार्मर इकट्ठे होते हैं। वो लोग गुस्सैल हैं, खड़ूस हैं। उन्हें अपनी फसल काटने की जल्दी होती है ताकि हम उन्हें खा ना जाए। सबसे मीठे कॉर्न, क्रंची कैरेट और बिल्कुल ताजा रेडिश। वो उन सभी चीजों को एक खास जगह पर लाते हैं, यहाँ इसी शहर में, जहाँ सुबह शाम उन्हें हिफाजत से रखा जाता है। और फिर हम वहाँ पर हमला करेंगे। फिर तो वहाँ घुसना नामुमकिन होगा। वहाँ कोई गेट या दरवाजा नहीं है। वो लोग मुस्कुरा के सबको अंदर बुलाते हैं। सभी आइए, जितने भी हैं सभी आइए। उन्होंने हमें सुन लिया तो? नहीं रे, वहाँ एक बैंड है, वो बहुत ही वाहियात फोक म्यूजिक बजाता है। बच्चों ने हमें देख लिया तो वो तो हमें उठा के घर ले जाएंगे। वहाँ पर वो लोग बस तुम्हें गुदगुदी करेंगे और कुछ नहीं। अगर कोई महंगा तोहफा चाहिए जो कभी इस्तेमाल नहीं होगा तो वो लैवेंडर की खुशबू के साबुन बेचते हैं। इस जादुई जगह का नाम क्या है? उसको बोलते हैं फार्मर्स मार्केट, जिसको विस्कर ने बड़ी बारीकी से इस मैप पे उतारा है। ओके, तो थिम्बल्स हैं फ्रूट्स और स्पिंडल्स हैं वेजिटेबल्स। पिन कुशन कल के मौसम के हिसाब से दिखा रहा है कि धूप कितनी होगी, जिसे मैंने पिछले 6 वीकेंड से रिकॉर्ड किया है, सिवाय पिछले सैटरडे के जब बिन मौसम के बादल छाए थे। क्यों इंसान, काम की बात करो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोगों के लिए मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। पर हमारा टारगेट फल सब्जियां नहीं है, उन्हें तो कोई भी मामूली चोर चुरा लेगा। हमें तो चाहिए वो जो काफी कीमती है,
यहाँ ठीक बीचों बीच नारियल पानी के पार और बर्तन भांडों से दो कदम दूर मौजूद है ये नायाब हीरे, हमारा टारगेट ड्राइड फ्रूट। ड्राइड फ्रूट वो आपको क्यों चाहिए? ये कैसा नाम है? कभी खराब नहीं होते और साइज में ताजा फलों से 8 गुना छोटे भी होते हैं और वो उतने ही हेल्दी होते हैं। ट्रांसपोर्ट में बहुत आसान और पकड़े जाना बहुत मुश्किल। लो ट्राई करो। बहुत टेस्टी है। कुछ खास नहीं है। नहीं, यहाँ हम खाने की बुराई नहीं करते, समझे तुम? ये बात हमेशा याद रखना। अभी दिक्कत ये है कि ये ड्राइड फ्रूट मार्केट के बीचों बीच है और फार्मर लोग से घिरा हुआ है, और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो हमेशा साथ रहकर अपनी चीजों की हिफाजत करते हैं। वो लोग एक होकर अच्छे से अच्छे चोर से चोरी का माल उगलवा लेते हैं। अगर हमने उन्हें झांसा दे भी दिया तो सबसे बड़ी चुनौती फिर भी बाकी रह जाती है, वो खुद ड्राई फ्रूट बेचने वाली सेरा नाकामोटो। कभी अपनी जगह छोड़कर नहीं जाती, कुछ भी हो जाए। मुझे लगा हम उसके एंकल पे काटेंगे, वो उसकी कमजोरी होगी, पर हम गलत थे। उसकी कमजोरी सिर्फ एक ही है, आयल के सामने चीज मॉन्गर का बेटा विलियम पेम्बरली। सिर्फ वही क्यूट बच्चा उसका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। तो अगर हम उस तक पहुँचे तो वो सहरा का ध्यान भटकाएगा और सारे ड्राई फ्रूट हमारे कब्जे में। उसे वहाँ से निकालेंगे कैसे? ऊपर जो अधमरा सा टेलर है वो हर हफ्ते मार्केट बंद होने से पहले वहाँ पहुँचता है, हमेशा 2 सॉसेज खरीदता है, एक अपने लिए और एक अपनी स्वर्गवासी पत्नी के लिए। उनकी लव स्टोरी सचमुच सच्ची है। जवानी में वो एक जैज हॉल में मिले थे, लड़की नाचने जाती थी, वो बाजा बजाता था, पर उनके माँ बाप राजी नहीं थे। विस्कस, मुद्दे पर ही रहो। यहाँ किसी को एक सच्ची कहानी की कद्र क्यों नहीं? पता है तुम्हारी मौत के बाद लोग क्या कहेंगे? कमाल की औरत थी, कभी मुद्दे से नहीं भटकी। खैर छोड़ो, हम लूट का माल टेलर के ट्रक में ला देंगे और वो हमें माल के साथ यहाँ पहुँचाएगा। मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसीलिए मैंने बोला था काश मेरे पास तुम जैसे 10 और होते। क्या तुम्हारे कुछ दोस्त हैं? हाँ, कुछ क्या, बहुत सारे हैं। वो भरोसे लायक हैं? उनमें से एक जलकुकड़े दोस्त भी हैं। अरे कोई बात नहीं, सबको ले गया। टीम से मिल, सैमुअल विस्कर्स शहर का सबसे पुराना चोर है। मालूम है वो मूछे उसकी नहीं है बल्कि चोरी की है। टॉम किटन, ये कम ही बोलता है पर जब ये बोलेगा तो तू बोलेगा कि ये क्यों बोलता है। क्या अब हम अंदर आ सकते हैं? ठंड के मारे मेरे रोंगटे खड़े होने लगे हैं। और उसकी बहन मिटन्स, तेज दिमाग, हमेशा सही रास्ता दिखाती है। बहुत हो गई जान पहचान, अब काम पर लगते हैं। स्टोरेज रूम, दूसरा दरवाजा राइट साइड पर। कोर्ट रूम, तीसरा दरवाजा लेफ्ट साइड पर। बाथरूम, अरे आने से पहले बोला था ना कि सब निकाल के आना, जहाँ मन आए कर दे। थैंक यू। चलो फिलिक्स, फिलिक्स डियर, चलो फिलिक्स जल्दी चलो। बहनो जल्दी जाकर फ्लैशलाइट लाओ। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि अब हम इन्हें फार्मर्स मार्केट। तुम लोग किसी भी तरह की बदमाशी मत करना, वैसे ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीटर तो है ही नहीं है। वैसे कहाँ है वो? क्या हो गया मुझे? मैं रैबिट से बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ वो जवाब देंगे। थॉमस सपने मत देखो। ओके अरे देसी दोस्तों के लिए टॉर्च। मैं तो बिल्कुल नहीं बदला। हम कामयाब हो गए ना तो पूरे शहर में अपने पोस्टर लगेंगे। वैसे उस होर्डिंग में आप क्यों है मिस्टर विंकल? ग्लैमर के लिए।